शादी करने वाले हैं तुमसे, बस कुछ टाइम बाद तुमसे हम शादी कर लेंगे। तो फिजिकल हुए वो मेरे से, मेरे हमको बलगला के वो फिजिकल हुए कि उम्र हो जाएगा ना तुम शादी कर लेंगे। एक दिन में इंसान पहचान लेता है कि कैसा इंसान है, क्या लगता है कि अब इंसान को पहचानने में भूल कर दिए? भूल ही कर दिए थे ना, जब दिमाग इतना खुल गया तो आज देखिए कहाँ है। वही लोग तो हमको यहाँ डुबा दिए हैं अच्छा, सब लोग मिलके। आज वो लोग कहाँ है, कोई नहीं दिख रहा है, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ, कहाँ कोई दिख रहा है। शिवनंदन भारती तो उस वक्त बहुत खड़े थे आपके पक्ष में। वो तो बोले थे कि दोनों में से किसी का केस नहीं लेंगे, तो आज कैसे रोशन रोही का आप केस लेके बैठे हुए हैं? रोशन रोही और किरण सिंह का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अभी मेरी मौजूदगी पटना के हाईकोर्ट परिसर में है, और हमारे साथ में किरण सिंह हैं जो रोशन रोही की पत्नी हैं। किरण सिंह जी, रोशन रोही से आपका फर्स्ट बार कैसे मुलाकात और कब हुआ? शूटिंग पे हुआ था। अच्छा, कितने साल पहले हुई थी? 3 साल हो गया। अच्छा, शूटिंग होता है, आप मॉडल हैं, कैसे इस प्रकार का कैसे प्रेम मोहब्बत कैसे हो जाता है, यहाँ तक कैसे बात आ जाती है शादी विवाह की? काम शुरू किए थे, बातचीत होते होते हो गया। बात होते होते हो गई। किस रिलेशन से आप रह रही थी रोशन रोही के घर पे? घर पे नहीं, यहाँ पटना में रह रहे थे। बिल्कुल आवाज डेरे पे रह रहे थे, रूम पर रह रहे थे। किस रिलेशन से? शादी करने वाले हैं तुमसे, बस कुछ टाइम बाद तुमसे हम शादी कर लेंगे। तो फिजिकल हुए वो मेरे से, मेरे हमको बलगला के वो फिजिकल हुए कि उम्र हो जाएगा ना तुम शादी कर लेंगे। अच्छा, बलगला रहे थे और यूज़ कर रहे थे हमको बुरे तरीके से। अच्छा, तो आपको, चूंकि अब एक दिन में इंसान पहचान लेता है कि कैसा इंसान है, क्या लगता है कि अब इंसान को पहचानने में भूल कर दिए? भूल ही कर दिए थे ना, जब दिमाग इतना खुल गया तो आज देखिए कहाँ है। पहले भी मैनेज हुआ था कि शिवनंदन भारती, कश्यप और महिला विकास मंच की टीम जो है मध्यस्थता किए थे, उस वक्त एक्शन लेना चाहिए। आज वही लोग तो हमको यहाँ डुबा दिए हैं अच्छा, सब लोग मिलके। आज वो लोग कहाँ है, कोई नहीं दिख रहा है, कोई मदद नहीं कर रहे हैं। हाँ, कहाँ कोई दिख रहा है। शिवनंदन भारती तो उस वक्त बहुत खड़े थे आपके पक्ष में। वो तो बोले थे कि दोनों में से किसी का केस नहीं लेंगे, तो आज कैसे रोशन रोही का आप केस लेके बैठे हुए हैं? कैसे लिए? वो तो बोलते थे ना, आप लोग सुने होंगे जी, कि ना बच्ची का लेंगे ना बच्चे का लेंगे केस, तो आप कैसे ले लिए लड़के का केस? कई प्रकार के आरोप लगाते हैं कि रोशन रोही, चूंकि आप मंदिर में शादी भी किए थे तो कह सकते हैं पति भी, चूंकि हिंदू रीति रिवाज में इस प्रकार की शादी होती है, बिहार में मंदिर में शादी होती है, उसके बाद बात करें तो अपने पति पर इस प्रकार के आरोप लगाती हैं कि वो दूसरे स्टूडियो में जाते हैं। हाँ, रंगरलिया मनाते हैं, वो करते हैं, सब जगह कर रहे थे। हाँ, तो क्या प्रमाण क्या है? बहुत कुछ ऐसा हम आपको दे देंगे, आप लगा दीजिएगा। कौन साजिश, आखिर साजिश के तहत शिकार बनी है? हाँ हाँ, वही है, वही बात है। बस क्या यूज किया आने गया? वाले समय में फिर मदस्ता होगी, फिर बात करें तो तय तस्बिया होगी या केस लड़िएगा? केस लड़ना है हमें आगे, मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं? नहीं, नहीं नहीं। परिवार से कोई बातचीत नहीं, उनके माता पिता सो रही है? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमारे साथ में किरण सिंह जी थी, और मुकदमा लड़ने के लिए हैं, और देखना होगा कि न्यायालय में क्या न्यायालय प्रक्रिया है, कोर्ट क्या सजा देती है। इनका कहना है कि 10 वर्ष जो है मिनिमम जो है उसमें सजा है। और अब बात करें तो रोशन रोही के वकील हैं शिवनंदन भारती, वो कह रहे हैं कि जल्द आने वाले, अब देखना है कि न्यायपालिका इसमें क्या भूमिका निभाती है। बहरहाल, इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।